अरे अरे, यह क्या कर गए पटवारी साहब? पैसे ही निगल गए पटवारी गजेंद्र सिंह। लोग पैसे कमाते हैं पेट की भूख मिटाने के लिए, मगर यह पटवारी महोदय पैसे खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। दरअसल कटनी के बिल्हारी में पटवारी के पद पर पदस्थ गजेंद्र सिंह ने चंदन लोधी नाम के व्यक्ति से जमीन सीमांकन के बदले में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत 10 जुलाई को चंदन लोधी ने जबलपुर लोकायुक्त से की, जिसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक कमल सिंह उइके ने जाँच में शिकायत को सही पाया। फिर रिश्वत की रकम लेने के लिए जब गजेंद्र सिंह ने अपने निजी कार्यालय में चंदन को बुलाया तो लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुए उसे रंगे हाथों दबोच लिया, जहां पटवारी ने रिश्वतखोरी की सारी रकम को निगल लिया और चबाने लगे। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। दिनांक 10/7/23 को आवेदन चंदन विरोधी निवासी बरतेला, उनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके दादा की जमीन है बरतेला में, जमीन के सीमांकन और उसकी रिपोर्ट देने के वजह संबंधित जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की। इस शिकायत के सत्यापन के उपरांत 5 दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहाँ पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैक किया, जिसी टीम द्वारा ट्रैक करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजन सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुँह में रख करके उसको दबा करके नष्ट करने की कोशिश की। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने लोगों को चबा लिया, हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसके द्वारा नहीं निकाला गया, तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया। जब्त क्या क्या की गई? रिकवरी हो गई या नहीं? नोटों के टुकड़े हैं, कुछ लुपटियाँ हैं जो जब्त हुई। लेन देन के मामले में क्या क्या जब्ती की गई? जो रिश्वत अभी तो जो राशि है वो तो जब्त नहीं हो पाई, बाकी दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। लोकायुक्त में इस तरह का जो पहला मामला है, लोग चबा लिया। पहली बार